और लास्ट लेक्चर तक हमने हम कुछ बेसिकली एप्लीकेशन ऑन गॉस लॉ कवर कर रहे थे, जिसमें प्रूफ्स कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, कैसे प्रूफ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसमें लास्ट के अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो इनफाइनाइट थिन शीट नॉन कंडक्टिंग शीट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रूफ किया था, वायर की वजह से प्रूफ कर लिया था हमने, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से प्रूफ किया था। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, जिससे आपको थोड़ा इस पर कमांड बना होगा गॉस लॉ पर। आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में, एंड द फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडेज लेक्चर इज फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब के हम कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से कवर करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे ये एक सेकेंड रुको, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सो टुडेज फर्स्ट हेडिंग इज फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट। तो अब की हमारे पास कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट होगी और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि कंडक्टिंग में, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जो शीट है, ये जो शीट मैं अब बना रहा हूँ, ये नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग अगर होती तो चार्जेस सिर्फ इसके सरफेस पर नहीं रहते, बल्क में भी रहते, चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते। ये बहुत थिन शीट है, बहुत पतली सी शीट है, तो चार्जेस इसके पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है। मैं इस पॉइंट को ऑलरेडी भी कवर कर चुका हूं, बट मैं फिर से बता रहा हूं। और अगर यही कंडक्टिंग शीट होगी ना, अगर मान लीजिए यही शीट कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है, तो कंडक्टिंग होगी तो चार्जेस जो होंगे इसके आउटर सरफेस पर लाई करेंगे इस शीट के, बस इसके बल्क में चार्ज नहीं होंगे, बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होंगे, इसके आउटर सरफेस पर चार्ज आ जाएंगे, जो उसकी आउटर सरफेस होगी उस पर चार्ज आ जाएंगे। समझ में आया आपको, बहुत पतली सी शीट है ये, तो ये देखिए कंडक्टिंग शीट है, तो कंडक्टिंग शीट में आउटर सरफेस पर चार्ज है, एक तो ये सरफेस हो गई आउटर सरफेस और एक ये सरफेस हो गई आउटर सरफेस, तो इन दोनों सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। अगर मान लो इस शीट को हमने टोटल चार्ज क्यू दिया, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंडक्टिंग शीट है उसको हमने टोटल चार्ज क्यू दे दिया, तो क्यू बाई टू चार्ज तो इस वाली सरफेस पर आ जाएंगे जो राइट में है, और क्यू बाई टू चार्ज इस वाली सरफेस पर आ जाएंगे जो लेफ्ट में, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बात समझ में आई, जो पहला पॉइंट बोला मैंने, अगर आपने टोटल क्यू चार्ज दिया है कंडक्टिंग शीट को तो वो क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो बता रहा हूं मैं। एक साइड तो क्यू बाई टू चार्ज चले जाएंगे और एक साइड क्यू बाई टू चार्ज चले जाएंगे, लेकिन अगर यही कंडक्टिंग नहीं होती, नॉन कंडक्टिंग होती, तो सारा का सारा क्यू चार्ज ऐसे लाई करता, बल्क में लाई कर जाता, स्पेशली सरफेस पर नहीं होता, फिर नॉन कंडक्टिंग में बल्क में लाई कर जाता। लेकिन अगर कंडक्टिंग होगा तो टोटल चार्ज, आधा चार्ज एक सरफेस पर और आधा चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये सिग्मा जो है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो भाई सिग्मा को मैं कितना लिख सकता हूं आप ही बताओ, बोलो चार्ज कितना है, Q बाई टू, एक सरफेस की बात कर रहे हैं ना, और उसका सरफेस एरिया कितना है A मान लेते हैं, तो यहां पर सिग्मा कितना हो गया Q बाई टू इंटू A, ये ठीक है। अब मान लो अगर मैं Q चार्ज नॉन कंडक्टिंग को दे देता तो आप बताओ उस केस में सिग्मा कितना होता, फिर हम उस केस में कहते कि सारा का सारा चार्ज एक ही सरफेस पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए अब पतली शीट है ना, थिन शीट है, तो ये हमारे लिए एक सिंगल सरफेस जैसे बिहेव करेगा, लेकिन कंडक्टिंग में वही चार्ज हम बोलेंगे दो सरफेस पर लाई कर रहा है। तो सिग्मा नॉन कंडक्टिंग जो होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम बराबर चार्ज दे रहे हैं, बराबर मतलब क्यू चार्ज एक बार कंडक्टिंग सरफेस को दे दी, कंडक्टिंग शीट को दे दिया, और एक बार क्यू चार्ज नॉन कंडक्टिंग को दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं नॉन कंडक्टिंग को दूंगा तो सिग्मा नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा क्यू बाई ए, और सिग्मा कंडक्टिंग हो जाएगा क्यू बाई टू ए,
तो सिग्मा कंडक्टिंग और सिग्मा नॉन कंडक्टिंग दोनों अलग अलग होगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आई होप क्लियर होगा। अगर आपको डाउट होगी पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं शायद प्रीवियस लेक्चर्स में, जब ये थ्योरेटिकल सेक्शन मैंने स्टार्ट किया था वहां पर बताया था आपको। चलो ये वाला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है नोट कर लो, सिग्मा कंडक्टिंग सिग्मा नॉन कंडक्टिंग। आपको जो भी चीजें यहां से एक्स्ट्रा लगती हैं, समझ में आई हो, जो लगता हो कि हमें नहीं पता थी पहले, उन चीज को आप यहां पे नोट कर सकते हो। मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो भी चीज आपको लगती है। प्लस अगर आपको कोई डाउट पूछना है यहां से रिलेटेड तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तभी आगे समझ में आएगा। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करना, उल्टी सीधी राइटिंग जा रही है, माउस से लिखना पड़ रहा है मुझे इस वजह से, क्योंकि जब लाइव काम करेंगे तो फिर उस समय पेन उतना तेजी से सिंक नहीं कर पाता है। तो लिखूंगा अभी मैं और वो डिस्प्ले होगा बहुत देर बाद, इसलिए मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा, सिग्मा नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है और कंडक्टिंग में क्या होता है, ठीक है। चलो अब आगे मैं फर्दर मूव कर रहा हूं। मेरे को क्या चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम मैंने गॉशियन सरफेस एज्यूम किया, ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस एज्यूम किया। ये शीट है ना, ये शीट इस तरीके से, तो ऐसे मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस, जैसा पिछले वाले केस में किया था ना नॉन कंडक्टिंग शीट के प्रूफ में, वैसे यहां पर भी कर लिया गॉशियन सरफेस, पतला सा ऐसे सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस एज्यूम किया, ठीक है। इमेजिन करो तुम, बिना इमेजिनेशन के इसको बहुत अच्छे से समझ पाना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ये जो शीट है उसके सेंटर पर जाके, सेंटर पर ही एक पतला सा सिलिंड्रिकल सेक्शन ले लो, एक थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इस साइड, ठीक है। अगर मैं खाली खाली सिलिंड्रिकल सेक्शन को देखूं, मतलब गॉशियन सरफेस को देखूं, तो मुझे ऐसी दिखेगी गॉशियन सरफेस। इमेजिन करो थोड़ा सा, पतली सी शीट है तुम्हारे पास, कंडक्टिंग है इसलिए इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है, दोनों साइड चार्ज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस अज्यूम कर ली। अब खाली गॉशियन सरफेस को देखो, तो गॉशियन सरफेस का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा कहां से पास हो रहा होगा, शीट से पास हो रहा होगा ना, तो शीट से पास हो रहा होगा, इसका मतलब चार्ज्ड कैरी करेगा। तो गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन लाएगा, वो यहां पे ये जो चार्ज है ना, ये गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज आ जाएगा, यहां पर जो चार्ज होगा ना, यहां वाला चार्ज वो आ जाएगा, बात समझ रहे हो, तो वो ये रहा चार्ज, ठीक है। चलो अब वो कितना चार्ज आ गया भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा, ठीक है। तो यहां पर देखो दो सरफेस है ना, एक मतलब रुको इसको थोड़ा सा रफ कर दूं तब समझाता हूं, जो एक्स्ट्रा मैंने बनाया यहां पर, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं, तुम गॉशियन सरफेस को देखो, सिर्फ गॉशियन सरफेस को जब देखोगे तुम्हें, तो दो सरफेस है ना, एक तो ये वाला सिग्मा दिख रहा है तुमको, एक ये वाला सिग्मा दिख रहा है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं जब तुम ऐसे करोगे ना, तो एक ये इधर भी तो चार्ज होंगे और इधर भी तो चार्ज होंगे, तो ये दो सिग्मा क्रिएट हो जाएंगे ना गॉशियन सर, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ऐसे करके बन रही है, ठीक है, उसमें एक तो इधर इधर वाले सरफेस पर भी चार्ज होंगे और एक इधर वाली सरफेस पर भी चार्ज होंगे। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, समझे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं Q इनसाइड कितना है, टोटल चार्ज इनसाइड, तो आई विल से सिग्मा इनटू 2s, मेरी बात समझे, टोटल इनसाइड चार्ज कितना है, क्योंकि दो सरफेस मिल रही है ना अभी मेरे को, एक तो ये वाली मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है, और इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया कितना है, यहां पर ये जो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया माना है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का, इसको मैंने एस बोल दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, फिर से सुन लो, ये रहा सिलेंडर, ये गॉशियन सरफेस है, ठीक है। एक एक बार तो यहां पर चार्ज आ गया और एक बार यहां पर चार्ज आ गया। इसका सरफेस एरिया कितना है, एस है, और इसका सरफेस एरिया कितना है, एस है, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ध्यान सुनते रहना, समझना चाहते हो तो। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल चार्ज अंदर कितना हो गया, इस वाले सरफेस पर तो सिग्मा इंटू एस हो गया और इस वाले सरफेस पर सिग्मा इंटू एस हो गया। तो टोटल चार्ज इनसाइड गॉशियन सरफेस कितना हो गया बेटा, सिग्मा इंटू एस सिग्मा इंटू टू एस हो गया, ठीक है। ये फाइव हो गया अपॉन एप्साइलन नॉट,
तो 5 इतना आ गया, 5 बराबर टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसको मैं किसके बराबर कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली लिखा है, मतलब इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट ds लिखना था ना मेरे को, क्योंकि पिछला वाला आपको पता है, पिछला वाला तो आपने किया ही है, आपको नॉन कंडक्टिंग वाला पता है ना। नॉन कंडक्टिंग वाला अगर पता है तो ध्यान से देखो, चलो मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। तो नॉन कंडक्टिंग वाले में राइट हैंड साइड तो क्या बनती थी, राइट हैंड साइड 2ES बन जाती थी ना, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और एरिया वेक्टर सर्कुलर सेक्शन, ये वाला एरिया जो है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये वाला। और अगर मैं बात करूं यहां पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही फ्लक्स पास हो रहा होगा, मतलब इस वाले एरिया से, इस वाले सर्कुलर एरिया से और इस वाले सर्कुलर एरिया से ही फ्लक्स पास हो रहा होगा, बात समझे। तो इस वाले से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा भाई, E into S, और इस वाले से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, E into S, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को ऐसे लिख दूंगा ई इंटू टू एस, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, मतलब इससे पहले वाला जो नॉन कंडक्टिंग है वो आपने समझा हुआ है, तो मैं इसलिए इसको इतना डीप नहीं ले जा रहा हूं। तो ई इंटू टू एस हो गया, बस अब आगे कर लोगे तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें प्रूव नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टिंग शीट की वजह से पूछ रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं उसका आंसर तुम दो। मान लो एक हमारे पास कंडक्टिंग शीट है और एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इतना सब लिख लेना, अभी टेंशन मत लो, मैं टाइम दूंगा लिखने का। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तुम्हारे पास कंडक्टिंग शीट है और एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, और दोनों पर चार्ज बराबर है, मतलब दोनों पर ही क्यू चार्ज है, तो मैं पूछ रहा हूं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा कि डिफरेंट होगा, ये क्वेश्चन मेरा तुमसे पूछा गया है। पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तुम्हारी डाउट क्लियर करना चाहता हूं, अगर कोई डाउट भी है तो। फिर से क्वेश्चन सुन सकते हो, दो शीट है, एक कंडक्टिंग है एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं दोनों पर चार्ज बराबर है, चार्ज की वैल्यू दोनों शीट पर बराबर है, दोनों की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये क्वेश्चन है मेरा तुमसे। कृपया करके मुझे अपना उत्तर दे, तभी मैं आपकी डाउट समझ सकता हूं। जो भी आपके मन में आ रहा है वो आंसर मुझे दो। कुछ समझ में आ रहा है, आंसर आंसर आया ही नहीं अभी तक, कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या। अरे कुछ तो बोलो, चलो तुम छाप लो तब तक, ठीक है, ये लिख लो यहां से यहां तक, जिसके कुछ समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत वो आंसर दे देना, और अगर नहीं समझ में आया हो बहुत अच्छे से तो आई विल सजेस्ट डिफरेंट होगा। चलो ये खुशी हुई, कम से कम आंसर तो दे रहे हो, तुम तो वैसे ही जीत गए, तुमने आंसर दे दिया, बाकी आंसर तो दो, मेरी बात समझो, आंसर देना मस्त है यहां पर, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा हो। एटलीस्ट ये भी आंसर है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, दिस इज ऑल्सो वन आंसर। चलो लिखो, तुम थोड़ा बहुत लिखो फिर मैं बताता हूं।
चलो सेम नहीं होगा ये बोला जा रहा है, तुम इसको लिखना स्टार्ट करो, कॉपी करो, कॉपी करते करते समझो, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से कर लेंगे, टेंशन लेने वाले बात नहीं है, ठीक है? करो, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो। तो बाकी तुम्हें समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ये प्रूफ? इसका आंसर मैं अभी दे दूंगा, टेंशन मत लो, तुम लिख लो ये गॉसियन सरफेस वाला पार्ट लिखो, और उसके बाद ये लिख लो ये पूरा, और आराम से लिखो, समझ समझ के लिख लो थोड़ा सा और। यार तुम लोग ना पार्टिसिपेट नहीं करते हो डिस्कशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये है, बहुत सारे बच्चों के साथ, इसलिए तुम्हें चीजें नहीं समझ में आती। एटलीस्ट तुम ये बोल सकते हो मुझे समझ नहीं आया, या ये बोल दो कि जो भी आंसर आ रहा हो, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, किससे घबराना? एटलीस्ट चलो ये लिख लो पहले, तुम मैं बता दूंगा अभी क्या गलत सोच रहे हो क्या सही सोच रहे हो, ठीक है? अपनी तरफ से मैं पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा, आपकी टेंशन मत लो। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो प्रूफ्स हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आते हैं, तो इनको क्या करना, तुम दो तीन बार कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी ये समझना अगर मेरे को 10% भी समझ में आ गया है तो भी बहुत है, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है? वापस से इसी वीडियो को देख लेना, इसी पार्ट को जो पार्ट ना समझ में आया, ठीक है? उसको दो दो तीन तीन बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप लोगों ने गलत बताया है, ठीक है? आपने बोला है डिफरेंट होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पता नहीं क्यों डिफरेंट होगा सोचा तुम लोगों ने। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। मैं नॉन कंडक्टिंग की वजह से लिख रहा हूं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या सिग्मा के टर्म में क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना तो एग्री करते होगे, ये नॉन कंडक्टिंग था। और नॉन कंडक्टिंग का सिग्मा क्या होता था बताओ, नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा कितना होता था, क्यू अपॉन ए, है ना? क्यू अपॉन ए होता था ना। तो अगर मैं सिग्मा को क्यू अपॉन ए रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग की वजह से, अगर उसके ऊपर क्यू चार्ज है तो, क्योंकि टर्म में लिख लेते कम से कम तुम्हें आंसर आ जाता। अब देखो कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई कंडक्टिंग, यू नो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर चार्ज क्यू है तो क्यू चार्ज के लिए सिग्मा कंडक्टिंग में क्या होता है बोलो, क्यू बाय टू है, तो क्यू बाय सिग्मा को क्यू बाय टू रख दो, Q by 2 epsilon not आ गया, अब ये आ गया सिग्मा E conducting। तो अगर Q के टर्म में लिख रहे हो तो कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड Q by 2 epsilon not आ रहा है, और नॉन कंडक्टिंग का भी Q by 2 epsilon not आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंडक्टिंग पर चार्ज Q है और नॉन कंडक्टिंग पर भी चार्ज Q है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है। पता है ये फॉर्मूला, यहां पर ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला अलग क्यों आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इनके सिग्मा ही अलग हैं। ये सिग्मा किसका है, ये नॉन कंडक्टिंग का सिग्मा है, और ये वाला सिग्मा किसका है, ये कंडक्टिंग का सिग्मा है। तो यहां से देखने से लग रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग नहीं है, इनका सिग्मा ही अलग है। मेरी बात समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है। तो अब से याद क्या रखोगे
कि चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर चार्ज दोनों के ऊपर बराबर है तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही होगा। हाँ, सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जरूर डिफरेंट होगा, लेकिन वैल्यू बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा भी तो अलग अलग है। जब मैं कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं तो वहां पर सिग्मा कंडक्टिंग का होगा, जब मैं नॉन कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं तो वहां पर सिग्मा नॉन कंडक्टिंग का होगा। ये Q के टर्म में भी फॉर्मूला लिख लो, नॉन कंडक्टिंग का और कंडक्टिंग का Q के टर्म में भी फॉर्मूला लिख लो। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन द शीट। Q इज टोटल चार्ज ऑन द शीट। Q लिख लेना, टोटल चार्ज ऑन द शीट। फॉर्मूला लिख लो अपने पास। और मुझे ये कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें कोई डाउट है, और अगर डाउट नहीं है तो भी बताओ कि हाँ क्लियर है सब पॉइंट। मुझे ये बता दो। बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया। तो आज से याद रखना, ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वाला डिफरेंस। वेरी गुड, ठीक है। बाकी प्रूफ के लिए घबराना मत कभी भी। प्रूफ या कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो ट्राई दैट फॉर फ्यू टाइम्स, चार पांच बार कर लो, मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा। एक बार में कभी भी हताश या घबराना नहीं चाहिए। ओके, वेरी गुड। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो यहां पर एक नई हेडिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। लिख लें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम सॉलिड स्फीयर वाले फॉर्मूलों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको सुनना है, उसके बाद अपने आप से सोचना है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करना है अपने को, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो ये हो गई, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बल्क में भी होते हैं, सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग होता तो सिर्फ सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वो भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहला केस है कि आउटसाइड अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। और एक बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, ये रहा पी पॉइंट, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर यह सिचुएटेड है। अब मेरे को इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से? इस स्फीयर की वजह से, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो लिखा भी है, वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो सबसे पहला स्टेप है, वी हैव टू एज्यूम अ गॉशियन सरफेस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल। वो स्फेरिकल होगा क्योंकि अगर एक सिमेट्रिकल सरफेस चाहते हो तो तुम क्या करोगे ना, ऐसे P पॉइंट से सराउंड करते एक ऐसे हाइपोथेटिकल सरफेस मान लो, ये जो दिख रहा है ना डॉटेड रेड कलर से, ये गॉशियन सरफेस है जो मैंने मानी है। दिस इज अ गॉशियन सरफेस, ये क्लोज्ड गॉशियन सरफेस है, ये स्फेयर है, स्फेयर है जो P पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा आर, जितना ये सेंटर और ये पी पॉइंट, ठीक है। तो गॉशियन सरफेस का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर, ओके। और इस स्फीयर का जो रेडियस है ना, ये कैपिटल आर मान लेना, जरूरत पड़ेगा तो। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है
और ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस भी क्या है, स्फीयर ही है, तो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया भाई, गॉसियन सरफेस मान लिया हमने। अब देखो गॉसियन सरफेस पर क्या प्रत्येक पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट बोले चाहे ये वाला पॉइंट बोले चाहे ये वाला पॉइंट बोले, इस चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है कि नहीं, एक बार खुद सोचो। किसी भी पॉइंट पर बैठ के इस स्फीयर को देखो, एक जैसा दिखेगा कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लो, चाहे यहां वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चाहे यहां पर देखो, चाहे यहां पर देखो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो बराबर ही होगा, बात समझे, बिकॉज द सरफेस इज सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज भाई कितना है, क्यू है ना, क्योंकि सारा का सारा चार्ज ही तो अंदर है। इस सरफेस के रेड वाली जो सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, पूरा स्फीयर ही अंदर है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्यू है। तो फाई कितना हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। चलो अब मैं फाई को इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस भी लिख सकता हूं। अब तुम्हें तो पता है गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हो किस पर लगाते हो, ये लगाते हो ऑन गॉसियन सरफेस। ये जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना बेटा, ये आप गॉसियन सरफेस पर लगाते हो, ये आप गॉसियन सरफेस पर फॉर्मूला लगाते हो, तो गॉसियन सरफेस पर लगा दो, गॉसियन सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे ना, तो गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी ना। और अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो वो भी क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही एरिया वेक्टर भी होगा, है ना। तो ई डॉट डीएस को मैं ईडीएस लिख दूं, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस में क्या लिखूंगा, पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का, पूरा सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा। तो ई इंटू 4πr² हो गया, यहां से भी फाइ मेरे को निकल गया, और फाइ ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ था, दैट वॉज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ई इंटू 4πr² के बराबर पुट कर दिया, एंड वी गॉट द रिजल्ट, दैट इज ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यही तो प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्यू चार्ज का स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर मैं चला जाता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यही मेरे को प्रूफ करना था, ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। तो चलो अब यहां से स्टार्ट करो लिखना, ये बनाओ पहले स्फीयर अच्छे से टाइम देके लिखो। जो जो लिखा है ना एक एक पॉइंट लिख लेना। ये भी वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, अच्छे से, और जब जब लिखना तो ये कोशिश करना मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपना अपने तरफ से एफर्ट मारते रहना। बाकी अगर नहीं समझ में आया है तो मैं तुम्हें वापस से वही बोलूंगा कि दो दो तीन तीन बार देख लेना सेम चीज को। बहुत हद तक हम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले ही हैं, बस एक लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर में, कंडक्टर खत्म हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अरे एक सेकंड रुको, मैं कर देता हूं वहां पर, ये रहा। हाँ यहां से लिखना था ना तुम, चलो बनाओ गॉसियन सरफेस बनाओ, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। यहां से लिख लो,
वापस से एक बार फिर से पेन पेपर लेके बैठना, जब ये अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद अपने आप प्रूव करने की कोशिश करना स्टेप वाइज स्टेप। और ये सिमेट्रिकल सरफेस कैसे मानना है इसकी टेंशन तुम मत लो अभी, एक बार में सारी चीजें नहीं आएंगी आपको। ठीक है, लिखो यहां तक जल्दी से। जब ये हो जाएगा इसके बाद सेकेंड वाला पार्ट भी लिख लेना। सेकेंड वाला पार्ट इसी में ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के आपके सरफेस पर निकालेंगे। पहले आउटसाइड निकाला है, आपकी सरफेस पर निकालेंगे स्फीयर के। तो अगर आउटसाइड निकाल लिया है तो सरफेस पर भी निकल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। अब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर सेम है, ये हमारा चार्ज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है वापस से, विच कैन सराउंड दिस स्फीयर। ठीक है, वैसी ही स्फेरिकल सरफेस। अब की ये जो गॉसियन सरफेस है ना, दिस इज वेरी नियर टू द सरफेस। मतलब ये जो रेड कलर वाला गॉसियन सरफेस है, पहले तो आर डिस्टेंस पर था सेंटर से, अब ये जो व्हाइट वाली सरफेस है ना, इसके बहुत पास है, वेरी क्लोज। देखो यहां पर लिखा है, इट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो अब की हम सेंटर और गॉसियन सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी ले सकते हैं, कैपिटल आर ही ले सकते हैं हम, क्योंकि बहुत पास है। ये और ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है, दिखने में तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है लेकिन वास्तव में कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो वापस से अगर मैं बोलूं इनसाइड इस रेड सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है, तो बोलोगे क्यू है, तो फाइ कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फर्दर इसको ईडीएस लिख देंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पर फिर से बराबर होगा, और डीएस वेक्टर भी उधर ही होगा, ई भी इधर ही होगा, तो ई डॉट डीएस को फिर से ईडीएस लिख दोगे। और डीएस एरिया कितना लिखोगे इस गॉसियन सरफेस का एरिया, क्योंकि बहुत क्लोज है ना, तो मैं इसका एरिया क्या बोलूंगा, 4 पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बोल दूंगा, और यहां से ई का वैल्यू आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इट इज आल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, तो लो लिखना स्टार्ट करो यहां से। तुम लोग बायो कर रहे हो ना, मैंने जो तुम्हें बायो टास्क दिया था, तुम्हें एक यूनिट खत्म करने का टास्क दिया था इकोलॉजी, पता नहीं तुम इकोलॉजी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
लिखो जल्दी जल्दी इसको। इकोलॉजी का एक चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट? क्यों, लास्ट वाला? मैं सबसे पूछ रहा हूं, एक इंडिविजुअल से नहीं पूछ रहा हूं। सबसे पूछ रहा हूं, सब मुझे बताओ तुमने क्या क्या किया है इकोलॉजी में, क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, कितना कंप्लीट किया है। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं सबका आंसर जानना चाहता हूं, जितने लोग इस समय देख रहे हैं, शिवांगी, अष्टिता, बाकी सब, बाकी का मुझे नाम नहीं पता है, तो जो भी देख रहे हो वो मुझे पहले आंसर करें, उन्होंने क्या किया है। अच्छा, 13 चैप्टर कर लिया है। ठीक है, अगर 13th कर लिया है तो अच्छा है। मैं सबका आंसर पूछ रहा हूं सबसे, मुझे पहले आंसर दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैंने तुम्हें पहले भी टास्क दिया था, मैं लापरवाही नहीं एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे इस समय। तुम वो कर सकते हो, ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है वो। मुझे आंसर मिला नहीं अभी तक, मुझे तुम पहले बताओ किया भी है कि नहीं किया है। कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तुम बताओ मुझे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा चैप्टर तुमने अटेम्प्ट किया, स्टार्ट किया और तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ ठीक है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन तुम तो शिवांगी कह रही हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे ये बता दो कि कौन सा चैप्टर तुमने अटेम्प्ट किया समझने के लिए और तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे वो चैप्टर पहले बताओ। पहला चैप्टर नहीं समझ में आया तुम। मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि अगर तुम्हें स्टार्ट करना है इकोलॉजी तो लास्ट वाला चैप्टर कंसीडर कर लो, वो चैप्टर बहुत आसान है। लास्ट वाला चैप्टर कंसीडर कर लो, वो तो बहुत ही आसान है, लास्ट वाला वो तो हो ही जाएगा। पहला वाला चैप्टर, तुम पहले वाले चैप्टर में भी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है वो चैप्टर, और इवन 12th की एनसीईआरटी से ही पढ़ा है, और अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा था, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कुछ डिफिकल्ट सा। अब पता नहीं, तुम अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा उस चीज को, मुझे बता देना अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूं सोच समझ के। चलो देखो, इनसाइड, अगर मान लो इनसाइड मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड कैसे निकालेंगे? अब की देखो, ये सेंटर है और सेंटर से ये पी पॉइंट है, ठीक है, तो सेंटर से पी पॉइंट पर हम आर डिस्टेंस पर चले गए, एंड वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर से आर डिस्टेंस पर, तो फिर से गॉशियन सरफेस मानेंगे, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस। अब की देखो, गॉशियन सरफेस कैसे माना गया है रेडियस आर का? अब की देखो, अंदर माना गया है गॉशियन सरफेस, ये देखो, ये यहां पर रेड कलर से ये जो दिख रहा है ना, ये आपकी इस प्रकार से गॉशियन सरफेस माना गया है यहां पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? इनसाइड चार्ज चाहिए। क्यों इनसाइड चाहिए? इनसाइड द
गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो ये है ना, तो अब इसके अंदर कुल कितना चार्ज होगा, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो, ठीक है। तो बोलो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज है ना, तो कितना चार्ज होगा, कैसे सोचेंगे, रो इंटू इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है ना, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, तो बस रो इंटू इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, ये देखो ये गॉसियन सरफेस दिख रही है ना तुमको, तो इसका रेडियस कितना हो गया गॉसियन सरफेस का, स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। तो बस इनसाइड चार्ज निकल गया रो इंटू 4/3 πr³। तो क्यू इन निकाल लिया हमने यहां से, और रो का वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। रो का वैल्यू क्या होगा, टोटल चार्ज इस पर अपॉन इसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 πR³। ये जो वॉल्यूम लिखा है मैंने स्मॉल आर क्यूब वाला, ये किसका वॉल्यूम है, ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये बात तो ये हो गई, चलो क्यू इनसाइड तो निकल गया। अब फाई बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो तो निकाल लिया मैंने, रो इंटू 4/3 πr³। तो बस वही चीज को यहां पर लिख दिया, तो यहां से फाई आ गया। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। तो गॉसियन सरफेस ये रही, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मानना है हम ना, तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, तो वापस से, और ई और डीएस वैक्टर एक ही दिशा में होंगे, तो ई डॉट डीएस को ई डीएस लिख दो, और ई इंटू 4πr² इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो 4πr² हो गया, ठीक है, ई इंटू 4πr², तो यहां से फाई आ गया इतना, ठीक है। अब बस रो, बस इसको यहां से जो फाई निकाला है तुमने, ये वाला फाई और ये वाला फाई दोनों को इक्वेट कर दो, तो जब तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ जाएगा, रो आर बाई 3 εr², और इनिशियली मैंने बताया भी था तुम्हें रो का वैल्यू कितना है, रो क्या है, एक सेकंड रुको, तो थोड़ा काम नहीं कर रहा है लग रहा है, हाँ ठीक है एक मिनट रुको बता रहा हूं, रो आर बाई 3 εr² आ गया, और रो का वैल्यू मैंने बताया क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ पाई कैपिटल आर क्यूब, देखो सही से लिखाया नहीं है यहां पर, ये लिखा है ना, ये देखो रो का वैल्यू ये लिखा है, क्यू बाय 4/3 πr³ इंटू आर बाई 3 εr². तो यहां से अगर क्यू के टर्म में लिखोगे तो ई का फॉर्मूला ये आ जाएगा, क्यू के टर्म में लिखोगे तो ई का फॉर्मूला आ जाएगा KQr/r³। आई होप तुम्हें फॉर्मूले तो याद होंगे, तो हम प्रूव कर रहे हैं, यहां पर फॉर्मूले की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो आपकी सेम सरफेस, सेम गॉसियन सरफेस अंदर मानी गई है, तो यहां से अब लिखना स्टार्ट करो इनसाइड, तुम लोग कंप्लीट कर लो टाइम रहते, बाकी तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, मैं समझा दूंगा तुम्हें इकोलॉजी अच्छे से, फिर उसके बाद रिपीटेड वे में रिवाइज कर लेना, वो यूनिट खत्म होनी चाहिए, यहां से ये कॉपी करना स्टार्ट करो। मैंने तो बोला भी था अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है तुम्हें, तो मुझसे पूछना चाहिए, तुम तो बताते भी नहीं हो कोई बात, फिर टाइम गुजर जाएगा तो क्या मतलब ही रहेगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछना, बस वही काम किया हमने यहां पर, अंदर जाके एक गॉसियन सरफेस मान ली और अंदर टोटल चार्ज निकाला है, अंदर टोटल चार्ज निकालने में अगर तुम्हें डाउट आ रही है तो पूछ लेना।
अगर q के टर्म में लिखोगे तो q के टर्म में फॉर्मूला आएगा k क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये e का फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले हो गए यहां पर, दो तरीके से हो गया, एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक ऊपर वाला फॉर्मूला रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन, कैसे भी तरीके से याद कर लो। ठीक है,